हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो कैसे करें। एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाऊंगा और यहां मैं सर्च करूंगा फिल्मोरा। यह आ गया है सबसे ऊपर फ्रंट पे। इसको मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें फिर ओपन करें। फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हम अपनी वीडियो एडिट करेंगे इसके अंदर। तो हम जाएंगे क्रिएट न्यू वीडियो के अंदर। मैं क्लिक करा, हमें अपनी वीडियो सेलेक्ट करेंगे जो हमें एडिट करनी है। फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर काफ़ी आपकी पूरी गैलरी खुल गई है। आप जौन सी वीडियो एडिट करना चाहते हो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं अपने कैमरे में जाऊँगा, तो मैंने दो तीन क्लिप बना रखी है जिसको मैं एडिट करूँगा। फिर वीडियो पे क्लिक करके हमने यहाँ जाके ऐड करना है। हमारी एक वीडियो हो चुकी, क्लिप जा चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम नेक्स्ट करेंगे। ये हमारी वीडियो यहाँ आ चुकी है, अभी हम क्लिक करके इस वीडियो को चला सकते हैं। और फ्रेंड, मैं अब दूसरी क्लिप लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ से अपनी एक वीडियो और लूँगा। इसी तरह आप कई सारी वीडियो यहाँ पे ले सकते हैं। सॉरी, दूसरी वीडियो ले रहा हूँ मैं, मैंने पहले ले चुकी है वो। ये मैंने दूसरी वीडियो भी अपनी ले ली, फिर मैं ऐड करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। मैंने दो क्लिप ले ली है फ्रेंड्स। अब मैं इसको बताता हूँ कि एडिट कैसे करते हैं। हम अपनी दोनों क्लिप को चला के देख लेंगे 22:22। ये हमने चला लिया है, ओके। अब हम पहली वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले है ट्रिम क्लिप, जिससे हम वीडियो को काटते हैं। अगर आपको कटिंग करनी है, जितना हिस्सा आपको वीडियो का चाहिए वहाँ से लेके और ओके कर देंगे, तो हमारी क्लिप वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरा है क्रॉप का, वीडियो क्रॉप करना चाहते हैं आप, किस एंगल में दिखाना चाहते हैं वो है ये। फ्रेंड, जैसी आपकी नीड है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद है ये सब टाइटल, यहाँ आता है टाइटल में। आप जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट दिखाता है कि आप किस हिसाब से फॉन्ट इसमें लगाना चाहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके करा। और मैं इसको कहाँ से स्टार्टिंग से दिखाना चाहता हूँ, या बीच में दिखाना चाहता हूँ, या लास्ट में दिखाना चाहता हूँ, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखाना चाहता हूँ और मैं इसको अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, हम यहाँ से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। स्लाइड शो कैसे खुलेगा, स्केलिंग, रैंडम, फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे दिखाना चाहते हो। फिर ओके कर दिया मैंने, तो मेरी वीडियो में आ जाएगा। उसके बाद है पिप, जो कि इमेज के लिए होता है, इसकी हमें अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर है ये ऑडियो, ऑडियो आप डाल सकते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर में ऑप्शन ये होता है कि आप वीडियो की आवाज़ को रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल माइनस में चले जाएंगे, तो ये आपकी वीडियो हट जाएगी। और ऑडियो आप डालना चाहते हैं, अभी मैं आपको ऑडियो भी बताऊँगा कैसे डालते हैं। तो मैंने यहाँ अपनी वीडियो की आवाज़ को बंद कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिल्टर। फिल्टर्स में आप जैसा फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, हल्का ले लें यहाँ से, दूसरा वॉलेट कलर, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं वीडियो में, जिस हिसाब से ब्लैक एंड वाइट जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने सनी कलर चूज़ कर लिया, ओके कर दिया मैंने, तो मेरा वीडियो इस मेथड में चलेगा। उसके बाद आता है ओवरले। ओवरले में फ्रेंड वीडियो किस हिसाब से दिखेगी आपको, जिस हिसाब से आप दिखाना चाहते हैं। तो मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं दिखाना चाहता। एलिमेंट्स दिखाना चाहते हैं आप इसमें, कुछ भी, कोई कार्टून वगैरह, जो भी आप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, उसके बाद आता है टाइटल, कि आप अगर इसके जो डिफ़ॉल्ट टाइटल है उस हिसाब से इसके डिफ़ॉल्ट टाइटल आते हैं। आप कुछ भी दिखाना चाहते हैं इस हिसाब से, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, मेरा संदीप गुप्ता नाम, देखें आप किस हिसाब से आ रहा है, तो ये ऐसे आएगा।
उसके बाद आता है फ्रेंड स्पीड। स्पीड में होता है कि हम वीडियो को किस स्पीड से दिखाना चाहते हैं, स्लो दिखाना चाहते हैं, फास्ट दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो मेरे को अभी कुछ नहीं दिखाना, तो मैं इसको ओके करके बैक आ गया। अब यहाँ जाता एडजस्ट। एडजस्ट मीन्स आप ब्राइटनेस कैसी रखना चाहते हैं अपनी वीडियो में, कम ज़्यादा, ये सारे इसके ऑप्शन है। आप जिस हिसाब से टेम्परेचर में दिखाना चाहते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ से वीडियो के मेथड में कर सकते हैं। कलर इफेक्ट्स के लिए है ये। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है डुप्लीकेट। अगर आप लेयर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं अपनी वीडियो को जस्ट ऐसी फ़न की वीडियो बनाई थी, तो मैं इसको एडिट, आपको मैंने बता दिया ऑप्शन, इस हिसाब से एडिट होती है। ये हमारी थी पहली लेयर जिसको हमने ऐड करा था। अब हमारी ये दूसरी आ गई, दूसरी क्लिप। अब दूसरी क्लिप में भी मैं यहाँ पर आके फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, कुछ भी फ़िल्टर लगा दिया, जैसे कलर का हो गया, ये हो गया, तो वह इस हिसाब से चलेगी। सारे कलर इफेक्ट्स हैं जो आप लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं यहाँ ओवरले लगाता हूँ, ये वाला ओवरले, तो ये मेरा यहाँ लग चुका है। मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब फ्रेंड्स, रही बात इसमें ट्रांजेक्शन क्लिप के बाद जो नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट होती है, उसमें आप अगर ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें ट्रांजेक्शन पे। ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं, मोर पे क्लिक, सॉरी, ये हमारे 19 ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। किस हिसाब से वीडियो दिखेगी ट्रांजेक्शन पे, तो आप ये लगा सकते हैं यहाँ पर, कि मतलब आपकी पहली वीडियो ख़त्म होती है, हमारी दूसरी वीडियो किस हिसाब से स्टार्ट हम करना चाहते हैं, तो वो ये सारी ट्रांजेक्शन है, तो मैंने यहाँ लगा दी। फ्रेंड्स, अब देखिए, जब मेरी पहली वीडियो ख़त्म होगी तो दूसरी कैसे स्टार्ट होगी। पहली क्लिप ख़त्म होने पे दूसरी इस हिसाब से स्टार्ट हो रही है मेरी। अब मैं फ्रेंड्स में गाना लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ गया, म्यूज़िक पे क्लिक करा, ऐड में गए। अब मैं अपनी लाइब्रेरी में अपना कोई गाना लगाना चाहता हूँ, मैं गाना लगाना चाहता हूँ लेकर बैठे। फ्रेंड्स, आप जितना गाना लेना चाहते हैं, आधा लेना चाहते हैं, तो आप आधा गाना ले लीजिए यहाँ से और ओके कर दीजिए, और इस क्लिप में मेरा ये गाना चलेगा। अभी गाना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं गाने को थोड़ा आगे बढ़ा के मैं पहली वाली वीडियो से गाना लूँगा। सॉरी, मैंने गाने को यहाँ पे क्लोज कर रखा है। म्यूजिक हमारा यहाँ ऑडियो मिक्सर था, तो हम इसको पूरा 100-200% कर देंगे। और गाना मैं अब दूसरा लगाना चाहता हूँ, ये गाना चल नहीं रहा है यहाँ पर। आप इस हिसाब से गाना यहाँ लगा सकते हैं आप, तो आपका गाना यहाँ चल जाएगा। तो फ्रेंड, इस हिसाब से हम वीडियो एडिट करते हैं, और उसके बाद हम सेव कर देंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट पूरा सेव हो जाएगा। अभी यहाँ मेरा ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका। अब इसको मैं अपने सेव गैलरी में करूँगा, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और अब आप इस वीडियो को हम देख सकते हैं। देखिए, मेरा गाना भी चल चुका है। तो फ्रेंड, आप इस हिसाब से अपनी एक वीडियो एडिट कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अगर मैं इसमें दोबारा कुछ एडिट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी दूसरी वाली क्लिप का ऑडियो बंद नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ गया ऑडियो में, मैंने इसको भी बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब मेरा ये बन चुका है, देखिए गाना चालू हो गया ये यहाँ पर। तो आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं, फिर दोबारा आपको इसको सेव करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और कई सारे होते हैं क्रॉप टूल कि आप वीडियो को ब्लर में दिखाना चाहते हैं, आधे में दिखाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से भी दिखा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। तो मैं इसको अपने पूरे में रखना चाहता हूँ, तो मैं अपने उस हिसाब से रखूँ। तो फिर फ्रेंड्स आप दोबारा सेव कर सकते हैं यहाँ जाके, मुझे अब ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत ही इजी ऐप फिल्म हो रहा है, बहुत बढ़िया ऐप है जो आपकी वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।